जय हिंद दोस्तों, इंडिया में किया मोटर्स कितना ज़्यादा पॉपुलर है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को पसंद आता है किया की गाड़ियाँ। जैसे किया का मोस्ट पॉपुलर गाड़ी है किया सेल्टोस, किया का मोस्ट पॉपुलर गाड़ी है किया सोनेट, एंड उसके बाद जो सबसे थोड़ा सा कम बिकता है ना वो किया का कार्निवल, जो बहुत ही कम बिकता है। लेकिन यहाँ पर दो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद की जाती है, जैसे किया का सेल्टोस हो गया, किया का सोनेट हो गया, और रिसेंटली यहाँ पर किया ने एक और वर्जन लॉन्च किया जो किया सेल्टोस GT लाइन वर्जन लॉन्च किया, या बोल सकते हो एक्स लाइन वर्जन लॉन्च किया इंडिया के अंदर, जो बहुत पसंद किए जा रहे हैं। तो देखो यहां पर किया और सोच रहा है कि यहां पर और इंडिया में जो किया मोटर्स उसको एक्सपैंड किया जाए, या फिर बोल सकते हैं कंपनी को बढ़ाया जाए। और कंपनी कैसे बढ़ेगी, जब गाड़ियां लॉन्च करेगी, अच्छी अच्छी गाड़ियां लॉन्च करेगी, तो इसी को देखते हुए। तो देखो जैसे यहां पर किया का और गाड़ी लॉन्च होता है ना, तो यहां पर मार्केट और ज्यादा अग्रेसिव हो जाने वाला है। जैसे कि यहां पर किया एक लॉन्च करने वाली किया टेलुराइड, तो किया वाले सोच रहे हैं कि किया जो टेलुराइड है ना उसको कब लॉन्च किया जाए, कब तक इसे देखने मिल सकता है इंडियन मार्केट में। देखो इसका जो बताया जा रहा है सीधा ओपिनियन कि आपको 2022 में देखने को एक गाड़ी मिल जाएगा, लेकिन उसके बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं यहां पर इसके एक्सटीरियर के बारे में, एक्सटीरियर कैसा देखने मिलेगा, क्योंकि हर गाड़ी का एक्सटीरियर इंटीरियर एंड सेफ्टी मिलकर यह गाड़ी को बहुत लुक में अच्छा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां पर एक्सटीरियर से। तो देखो किया टेलुराइड के बाहर क्या देखने मिलेगा, जो फ्रंट ग्रिल होगा उसके अंदर आपको ग्लॉस ब्लैक जो फिनिशिंग है वो देखने मिलेगा, उसके सराउंड आपको क्रोम का डिजाइन देखने मिलेगा, क्रोम का फिनिशिंग देखने मिलेगा, और फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट जो है ना वो सिल्वर फिनिशिंग साथ देखने को मिलेगा, बॉडी कलर आपको जो है हीटेड है ना और सारे मिरर्स वो देखने मिलेगा, एली टर्न इंडिकेटर्स आपको उसी के ना देखने मिलेगा, विंडो को सराउंड आपको क्रोम का जो डिजाइन है वो देखने मिलेगा, फिनिशिंग मिलेगा, डोर हैंडल्स मिलेगा, बॉडी कलर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लाइट्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर बीम हेडलाइट्स मिलने वाले, ऑटो लाइट कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर मिलेगा, साथ साथ यहाँ आपको DRL यानी हर गाड़ी का सिग्नेचर स्टाइल होगा DRL देना, यानी हर गाड़ी में आपको DRL मिलता ही मिलता है। जो पोजिशनिंग और DRL ना वो आपको ऊपर साइड में देखने मिलेगा, प्लस में यहाँ पर आपको जो रियर कॉम्बिनेशन लाइट्स है ना वो हैलोजन मिलने वाला, LED और हैलोजन का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। रियर स्पॉइलर की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्रंट बम्पर में आपको एयर डक्ट मिलता है जो बॉडी कलर होने वाला है जैसा कि आप देख सकते हो, और जो लोअर डोर मोल्डिंग होगा ना वो क्रोम फिनिशिंग देखने मिलेगा, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, 18 इंच का आपको इसके अंदर अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो पेंटेन पीस होता है डायमंड के अलॉय व्हील्स नहीं होने हैं, जो पेंटेन है ना जो ब्लैक में वो ऐसा देखने को मिला कुछ ऐसा। यदि फीचर्स की बात करें, इंटीरियर की बात करें, तो यहाँ पर इसमें ईवो लिंक मिलता है, नेविगेशन बार मिलता है, इसमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने मिलता है, जो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले 6 स्पीकर साथ आता है, ड्राइवर टॉक सिस्टम मिलता है, यानी आप कुछ भी कमांड देके बात कर सकते हो, यहां पर आपको ब्लूटूथ जो है ना ऑप्शन मिलता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी का मिलता है, फ्री कनेक्टिविटी मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील्स की बात करें तो माउंटेड ऑडियो हैंड्स फ्री फोन एंड क्रूज कंट्रोल बटन सारे फीचर देखने को मिलेंगे आपको। स्टीयरिंग व्हील्स के अंदर USB चार्जर मिलता है, 6 पोर्टल आपको 5 चार्जिंग 1 मीडियम मिलता है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है, इसके साथ यहां पर आपको 3.5 इंच का TFT ट्रिप कंप्यूटर होता है, छोटा सा डिस्प्ले होता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर वो देखने को मिला है, टिल्ट एंड टेलीस्कोप स्टीयरिंग व्हील्स मिल जाता है देखने को, चार विंडो आपको है ना पावर विंडो देखने को मिल जाएगा, स्मार्ट की इंटेलिजेंस जो स्टार्ट स्टॉप बटन वो देखने मिलेगा, रिमोट जो इंजन है स्टार्ट स्टॉप बटन वो भी साथ मिल जाएगा। प्लस इंजन की बात करें तो सबसे ज्यादा पावरफुल गाड़ी में इंजन ही है, क्योंकि इसके अंदर जो इंजन मिलेगा ना वो 3.8 लीटर का इंजन मिलेगा, जो बहुत बड़ा इंजन है, और इसमें आपको V6 का सपोर्ट मिलता है जो अच्छी बात है। यदि इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, CC की बात करें, तो यहाँ पर आपको 3778 CC का इंजन मिलता है, जो बहुत बड़ा इंजन होता है, यानी मानो ना आप एक ट्रक चला रहे हो ऐसा कुछ पावर देखने लगा। यदि टॉर्क की बात करें, हॉर्स पावर की बात करें, तो यहाँ पर आपको 291 HP का पावर मिलता है जो 6000 RPM पर होता है। यदि इंजन टॉर्क की बात करें, तो यहाँ पर 260 LB जो है ना वो ऑफ देखने को मिलता है, जो बहुत इसमें टॉर्क जनरेट करके देता है। यानी पूरी तरह से बात करें ना, तो यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन भी अच्छा खासा मिला, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने मिलेगा। नहीं, हम बोल सकते हैं जो किया का टेलुराइड्स होने वाला गाड़ी ना वो एक नंबर को होने वाला और इंडिया में आते ही धमाल मचाने वाला, क्योंकि जैसा कि आपको किया सेल्टोस लुक्स मिलता है ना वैसा कुछ डिजाइन यहाँ मिलता है, क्रेटा सेल्टोस को पीछे छोड़ के आगे निकल जाने वाला टेलुराइड्स, क्योंकि डिजाइन वाइज लुक्स वाइज बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बताओ आपको इसके बारे में क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आप मुझे कमेंट बताओ। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं आपके लिए कमाल के वीडियो लाता रहता हूँ। तो तब तक स्टे ट्यून, जय हिंद, वंदे मातरम।